स्टार्ट विथ कैलोरीमेट्री। तो कैलोरी कैलोरी इज हीट एंड मेट्री इज मेजरमेंट, तो दिस इज लाइक मेजरमेंट ऑफ हीट। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये सिंपली कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर बॉडी। सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसमें हम कहते हैं कि यदि दो बॉडी एक साथ अगल बगल रख दिया गया तो एक बॉडी जितना हीट रिलीज कर रहा होगा दूसरा बॉडी उतना ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, अज्यूमिंग देयर इज नो हीट लॉस टू सराउंडिंग। इस सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा होता है। ठीक है। टू इंश्योर दैट देयर इज नो हीट लॉस टू सराउंडिंग वी अज्यूम दैट ऑल एक्सपेरिमेंट takes place in a calorimeter. This is our assumption. ये calorimeter होता है. So this calorimeter is something like एक container होता है. इस container में basically let's say this is some material. ठीक है, और सेल सम लिक्विड भी है, ये दोनों आपस में मिक्स्ड होते हैं। एक स्टिरर रहता है जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है इसमें, और एक टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर होता है, और ये चारों तरफ से इंसुलेटेड होता है। ओके, फाइन। दीज आर material, this is stirrer to mix, this is thermometer to take temperature. Got it? Ashir. Yes. तो यहाँ पे क्या होता है, stirrer and calorimeter are made of copper and outside there is insulation. ठीक है. So हम इस तरह से करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल, लेट्स से कि ए एंड बी है यहाँ पे, ठीक है, और दिस इज सम लिक्विड, दिस इज एट टेम्परेचर टी वन, दिस इज एट टेम्परेचर टी टू एंड लिक्विड इज आल्सो एट टी टू। तो हम कहते हैं हीट लॉस्ट बाय ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय B plus liquid plus stirrer plus calorimeter.